हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और चाइना ने शुरू कर दिया है थर्ड वर्ल्ड वॉर और शुड आई से मेगा वाटर वॉर। यकीन नहीं हो रहा राइट? वेल हैव अ लुक एट दिस। इन 18 देशों के वाटर सप्लाई का रिमोट कंट्रोल कंप्लीटली चाइना के हाथों में है एंड माइंड यू इनमें से एक इंडिया भी है। नाउ टू थिंक कि चाइना इस पावर को मिसयूज नहीं करेगा, वेल विल बी फूलिश राइट? वेल चाइना ऑलरेडी 84,000 से ज्यादा डैम्स को कंस्ट्रक्ट कर चुका है और अब वो दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रो पावर डैम को भी बनाने जा रहा है। वेयर यू मे आस्क, वेल राइट नेक्स्ट टू अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर। इसके जरिए वो अरुणाचल प्रदेश, जिसे वो साउथ टिबेट बुलाता है, उस पर अपने क्लेम्स तो करेगा ही, पर इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर्स ब्रह्मपुत्रा का फ्लो अपने तरफ डाइवर्ट कर लेगा। In fact, as we speak, ब्रह्मपुत्रा पर ऑलरेडी 3 डैम्स बिल्ट हो चुके हैं और वो फुल्ली ऑपरेशनल है। सो इजीली इसे यूज करके चाइना इंडिया में फ्लड्स या फिर ड्राउट्स कॉज कर सकता है, और कर सकता क्या है, ऑलरेडी कर रहा है। बट बिफोर दैट लेट्स अंडरस्टैंड कि चाइना को ये अपर हैंड आखिर मिला कैसे। वेल चाइना एज अ कंट्री को अगर देखा जाए तो उसका सबसे बड़ा एडवांटेज है उसकी ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफी सुन के डर मत जाना, इसे समझना बहुत ही इजी है। कोई भी रीजन जो एक रिवर के अलोंग साइड लाई करता है उसे रिपेरियन स्टेट कहा जाता है, और रिपेरियन स्टेट के भी दो टाइप्स होते हैं। अपस्ट्रीम रिपेरियन, वो एरिया जहां से वो रिवर ओरिजिनेट होता है, और एक डाउनस्ट्रीम रिपेरियन जिसके तरफ रिवर फ्लो होता है। सो नेचुरली रिवर के ओरिजिन पर कंट्रोल होता है एक अपस्ट्रीम रिपेरियन कंट्री का, एंड गेस व्हाट, चाइना एक अपस्ट्रीम रिपेरियन स्टेट है। एंड नॉट जस्ट अ माइनर वन, बल्कि यहां पे 110 रिवर्स और लेक्स यहां से ओरिजिनेट होते हैं, जिस पे 18 डाउनस्ट्रीम रिपेरियन कंट्रीज डिपेंडेंट है। बट व्हाट इफ आई टेल यू, ऐसा हमेशा से नहीं था। ये तभी ही पॉसिबल हो पाया जब चाइना के पास आया एक खास इलाका, टिबेट। टिबेट दुनिया का हाईएस्ट प्लेट्यू और लार्जेस्ट वाटर सोर्स है, जो नॉर्थ और साउथ पोल्स जैसे ही रिच इन ग्लेशियर्स और आइस कैप्स है, यानी कि वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर सोर्स। सो मच सो कि इसे थर्ड पोल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। एशिया के 6 लार्जेस्ट रिवर सिस्टम्स यहीं से ओरिजिनेट होते हैं, और ये रिवर सिस्टम्स दुनिया के 1/5 पॉपुलेशन के वाटर की नीड्स को पूरी करता है, और इसमें से 48% पानी तो इंडिया में ही आता है। सो बेसिकली जब 1951 में चाइना ने टिबेट को एनेक्स कर लिया, तो नेचुरली ये सारा वाटर रिसोर्स उसी के कंट्रोल में आ गया। एंड देन चाइना ने तुरंत लिया नेक्स्ट स्टेप, दैट वॉज डैमिंग। वेल चाइना इज अ डैम मेकिंग मशीन। चाइना ने अब तक 84,000 से भी ज्यादा डैम्स कंस्ट्रक्ट किए हैं, और इन्हीं में से काफी सारे तो ऐसे रिवर्स पर है जो वो दूसरे 18 कंट्रीज के साथ शेयर करता है। एंड हेंस नीडलेस टू से चाइना इजीली एंड क्वाइट कन्वीनियंटली प्रैक्टिसेस हाइड्रो हेजेमनी, एंड दिस इज एक्चुअली क्वाइट एविडेंट। उसने आज तक इन 18 लोअर रिपेरियन कंट्रीज में से एक का भी साथ आज तक एक भी वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट साइन करके नहीं दिया है, एंड दिस क्लियरली गिव्स इट अ लेवरेज टू वेपनाइज वाटर। In fact, इसका क्लियर एविडेंस है 2019 का, जब चाइना ने पूरे साउथ ईस्ट एशिया में ड्राउट कॉज कर लिया था बाय जस्ट ब्लॉकिंग वन रिवर। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द माइटी मेकोंग रिवर। और चाइना इस तरीके से कैसे डोमिनेट कर पाया था, इसे समझने के लिए चलो पहले मेकोंग रिवर का पोर्टफोलियो देखते हैं। सो मेकोंग फ्लोस थ्रू 5 कंट्रीज, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कैम्बोडिया और वियतनाम। डिपेंडेंट पॉपुलेशन 60 मिलियन पीपल, एंड डैम्स बिल्ट बाय चाइना 11। 2019 में सडनली साउथ ईस्ट कंट्रीज में मेकोंग रिवर के वाटर लेवल्स एकदम रिकॉर्ड लो पर पहुंच गए, और इवेंचुअली रिवर सूखा पड़ गया, इतना ज्यादा कि थाईलैंड ने 40 इयर्स में अपना पहला वर्स्ट ड्रॉट को एक्सपीरियंस किया। इनफैक्ट देयर वाज ह्यूज इकोनॉमिक लॉस टू इन अप्रोक्सीमेटली दिस मच एरिया। अब फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, हम सभी जानते हैं कि फेस्टिवल्स का महीना आ गया है और सभी शॉपिंग, ट्रैवलिंग और फेस्टिवल प्लान्स बना रहे हैं, बट उन्हीं में जोड़ लो गेमिंग के भी प्लान्स, क्योंकि इंडिया का सबसे बड़ा गेमिंग ऐप MPL लेके आया है गेमिंग का सबसे बड़ा फेस्टिवल, MPL दिवाली लखपति पार्टी। ये इवेंट चलने वाला है पूरे एक महीने, September 29 से October 31 तक। इस दिवाली लखपति पार्टी में खेलो आपके फेवरेट गेम्स लाइक कॉल ब्रेक, रमी, लूडो और स्नेक्स एंड लैडर्स, और जीतो लाखों के इनाम। कॉन्टेस्ट यहाँ पर इतने होने वाले हैं कि MPL बनाएगा 10,000 विनर्स हर दिन के नहीं, हर घंटे के। साथ ही 500 लोग बनेंगे लखपति, और 40 करोड़ तक के विनिंग्स है गारंटीड। और MPL पर आया एक ब्रांड न्यू फीचर, लॉस प्रोटेक्शन, मीनिंग डिपॉजिट करो मिनिमम 100 रुपीज और पहले 10 गेम्स पर पाओ कंप्लीट लॉस प्रोटेक्शन। हारोगे जो भी, वापस पाओगे वही, है ना एक कमाल का ऑफर। तो डाउनलोड करो MPL, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक, और यूज करो मेरा कूपन कोड FLY20 और खेलो बेफिक्र, क्योंकि लॉस प्रोटेक्टेड है सिर्फ इधर।
रमी में मिलेगा आपको अपने फर्स्ट डिपॉजिट पर 200% का बोनस कैश यानी 20,000 रुपीस तक। मेरी तो पार्टी हो गई है शुरू, आप कब कर रहे हो ज्वाइन? खेलो यही क्योंकि MPL दिवाली लखपति पार्टी में इनाम है कहीं। एंड नाउ लेट्स गेट बैक टू आवर टॉपिक। थाईलैंड का मेजर सोर्स ऑफ इनकम क्या है? शुगर प्रोडक्शन, और यही इंडस्ट्री 30% से कम हो गई। वियतनाम के राइस फील्ड सिवियरली डैमेज हुए और लाओस और कैम्बोडिया ने भी ड्राउट्स को एक्सपीरियंस किए। बट सरप्राइजिंगली चाइना साइड ऑफ द रिवर का वाटर लेवल तो अच्छा खासा मेंटेन था, और उस साल वहां के रेनफॉल्स भी हायर देन एवरेज थे। सो जाहिर सी बात है इससे शक तो चाइना की ओर ही जाना था। एंड देन लेटर ऑन इस इंसिडेंट पर एक स्टडी की गई जिसमें सैटेलाइट इमेजेस के थ्रू ये रिवील हुआ कि चाइना ने मीकोंग के पानी को अपने रिजर्वोर डैम्स में रोक के रखा था। पर चाइना ने ऐसा क्यों किया? Well, the reasons for this are still unknown. पर इससे हमें ये तो चीज पता चलती है कि चाइना के पास कितना पावर आ जाता है सिर्फ इस छोटे से दिखने वाले एडवांटेज से भी। आज की तारीख में यही कंडीशन है सी नेशंस का, who still has good ties with China. So just imagine, चाइना इंडिया के साथ क्या कर सकता है। Moreover, concerning बात यह है कि इंडिया के दो इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम्स इंडस और ब्रह्मपुत्र का स्टार्टिंग पॉइंट चाइना से ही शुरू होता है, जहां से as we discussed, 48% वाटर इंडिया में बहता है। So imagine China's passive control on India. और इंडिया की इसी वीकनेस को एक्सप्लॉइट करने के लिए चाइना चार मेजर स्ट्रैटेजीज को फॉलो कर रहा है। द फोर स्ट्रैटेजीज ऑफ वाटर वॉर कॉज नेचुरल डिजास्टर्स इन इंडिया। इसमें सबसे पहले बात करते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर की। सो पिछले 10 सालों में चाइना ने ब्रह्मपुत्र रिवर पर 3 लार्ज स्केल डैम्स कंस्ट्रक्ट कर रखे हैं एंड इट प्लान्स टू कंस्ट्रक्ट एटलीस्ट 8 मोर। बट फिलहाल इंडिया का सबसे बड़ा कंसर्न है दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर डैम, द 60 गीगावाट कंट्री डैम, जो चाइना अरुणाचल प्रदेश के बाउंड्री के एकदम करीब कंस्ट्रक्ट करने वाला है। अब इसके पावर का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि द करंट लार्जेस्ट डैम इन द वर्ल्ड, जो कि चाइना का ही है बाय द वे, थ्री गॉर्जेस डैम 22.5 गीगावाट एनर्जी ही प्रोड्यूस करता है। And this produces 3 times more, 60 gigawatts energy. So इस gigantic dam के existence का एक ही meaning है इंडिया के लिए। It literally means मेरे घर का नल कोई और control कर रहा है। याने इस नल को on off करके China इंडिया के साथ वही कर सकता है जो उसने SEA सी countries के साथ किया। प्लस ब्रह्मपुत्र के वजह से तो एनीवे इंडिया में फ्रीक्वेंटली फ्लड्स आते रहते हैं। 1950 से लेकर अब तक 25 मेजर फ्लड्स यहां पर आ चुके हैं, जो मेजरली ऑलमोस्ट इंडिया के इतने एरिया को पीरियोडिकली इफेक्ट करते रहते हैं। इनफैक्ट 1977 की फ्लड्स की अकेली ही बात करें, इसने असम स्टेट को इफेक्ट किया था जहां पर 11,000 इंडियंस की जाने चली गई। 2012 फ्लड्स में 1.5 मिलियन लोग होमलेस हो गए, और असम में एवरी सिंगल ईयर ब्रह्मपुत्र फ्लड्स आते ही हैं। सो इससे ये आइडिया बिल्कुल लगाया जा सकता है कि ये रीजन ऑलरेडी काफी सेंसिटिव है। पर चाइना के रेडार में सिर्फ ब्रह्मपुत्र ही नहीं बल्कि इंडस भी है। वो बहुत ही कनिंगली POK में इंडस रिवर्स पर 5 डैम्स कंस्ट्रक्ट कर रहा है, और उसमें से एक डैम कॉल्ड डायमर भाषा का कंस्ट्रक्शन तो शुरू भी हो गया है। नाउ यहां भी वाटर कंट्रोल करके चाइना एटलीस्ट 35,000 लोगों के लाइवलीहुड को इंपैक्ट कर सकता है। एंड माइंड यू, ये एक ऐसा रीजन है जो एक महीने में 300 अर्थक्वेक्स एक्सपीरियंस करता है, और यहां पर चाइना का थोड़ा सा भी इंटरफेरेंस इंडिया के लिए एक मेजर वीकनेस बन सकता है। नाउ कमिंग टू द सेकंड स्ट्रेटजी ऑफ वाटर वॉर, व्हिच इज स्टीलिंग इंडियाज वाटर। तो ये बात है 1951 की, जब चाइना ने अपने वाटर क्राइसिस को रिजॉल्व करने के लिए साउथ नॉर्थ वाटर प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था। इसका प्लान ऑफ एक्शन था टिबेटन रिवर्स के पानी को नॉर्थ चाइना के येलो रिवर में डाइवर्ट करना, कन्वीनियंटली इस बात को डिसरिगार्ड करना कि इन रिवर्स पर हक सिर्फ उसका ही नहीं बल्कि उसे शेयर कर रही बाकी सारी कंट्रीज का भी है। सो बेसिकली आज की बात करें तो ब्रह्मपुत्र पर बन रहे डैम्स आर ऑल अ पार्ट ऑफ चाइनाज विकेट वाटर स्टीलिंग प्लान। और मैं ऐसा इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कोई नई बात नहीं है, पहले भी चाइना ऐसे वाटर ब्लॉकिंग टैक्टिक्स अपना चुका है फॉर अदर रीजंस ऑफ कोर्स। फॉर एग्जांपल 2020 में हुए गलवान क्लैश के बाद चाइना ने एज अ रिवेंज टैक्टिक इंडस रिवर के एक ट्रिब्यूटरी को इंडिया में एंटर होने से ब्लॉक कर दिया था। बट चलो इन दिस केस एटलीस्ट थैंक्स टू सैटेलाइट पिक्चर्स चाइना वाटर ब्लॉकिंग करते हुए रेड हैंडेड पकड़ा गया। पर ऐसे केसेस में भी इंस्टेड ऑफ प्लेइंग डिफेंसिव चाइना एग्रेसिवली खेलता है एंड इट स्टूप्स इवन लोअर बाय यूजिंग स्ट्रेटजी नंबर 3 व्हिच इज पोल्यूटिंग इंडियाज रिवर्स। अब चाइना ऑलरेडी ऐसा भी कर चुका है। सो ये स्टोरी है लेट 2017 की, अरुणाचल प्रदेश के राइस बॉल कहे जाने वाले द एवर फ्रेश एंड प्रिस्टीन रिवर सियांग की, जिसे बेसिकली अरुणाचल की लाइफलाइन कहा जाता है। बट नवंबर 2017 को सडनली सियांग का वन साफ सुथरा पानी धीरे धीरे ब्राउनिश होने लगा,
और फिर विद टाइम ये पानी एकदम ज्यादा मड़ी हो गया, इतना कि वहां राफ्टिंग के लिए बोट्स उतारना भी मुश्किल हो गया था। पहले तो अथॉरिटीज को लगा कि शायद ये रेनफॉल की वजह से है, पर फिर रेनफॉल के खत्म होने के बाद भी मड क्लियर अप हो ही नहीं रहा था। एंड देन ऑब्वियसली द वाटर वॉज डिक्लेयर्ड अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, बिकॉज एक पॉइंट पर तो आसाम के कुछ लोकल्स को उसमें हाई क्वांटिटीज में सीमेंट मिक्सचर तक दिखाई दे रहा था। बट स्टिल वी हैड नो आंसर्स अंटिल गवर्नमेंटल अथॉरिटीज की नजर पड़ी अक्टूबर 2017 के साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के एक आर्टिकल पर, जिसमें यह रिपोर्ट किया था कि चाइनीज गवर्नमेंट इज बिल्डिंग अ 1000 किलोमीटर लॉन्ग सीक्रेट टनल इन ब्रह्मपुत्र। सैटेलाइट इमेजेस भी ये दिखाते हैं कि उस साइट पर स्टोन क्रशर्स और सीमेंट प्लांट्स मौजूद हैं। सो सारे फिंगर्स एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे थे कि ये सब कॉन्टेमिनेंट्स इसी कंस्ट्रक्शन साइट से आ रहे हैं। अब ये टनल क्यों कंस्ट्रक्ट हो रहा था, दैट वॉज इवन अ बिगर कंसर्न, ऑब्वियसली पानी की चोरी के लिए। अब फ्रेंड्स होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से ये गेम खेला जा रहा है। अब इन तीनों स्ट्रैटेजीज में आपने कॉमन चीज जरूर नोटिस की होगी, वो है चुपचाप पीठ के पीछे से वार करना लेकिन फिर सबके सामने डिनाई करना। बट चाइनास फोर्थ स्ट्रैटेजी फॉर वॉटर वॉर इज शेमलेसली अपफ्रंट, डिनाइंग इंडिया इंपॉर्टेंट हाइड्रोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। फॉर स्टार्टर्स, इंडिया और चाइना के बीच दो लीगली बाइंडिंग अकॉर्ड्स भी है ऑन शेयरिंग दिस डेटा, पर जब 2017 में डोकलाम स्टैंड ऑफ हुआ तो चाइना ने स्ट्रेट अप ब्रह्मपुत्रा का हाइड्रोलॉजिकल डेटा शेयर करने से मना कर दिया, एंड द रिजल्ट मैसिव फ्लड्स इन असम एंड उत्तर प्रदेश। सो अब तक इतना तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि चाइना इक्वालिटी इन रिसोर्स शेयरिंग में जरा भी बिलीव नहीं करता, और हम एक्सपेक्ट भी कैसे कर सकते हैं। लेकिन अगर चाइना को या दुनिया में किसी भी कंट्री को एक आइडियल अपस्ट्रीम रिपेरियन कंट्री का मॉडल चाहिए तो दे शुड लुक नो फर्दर देन आवर कंट्री इंडिया। बेसिकली इंडिया दो कंट्रीज के लिए अपर रिपेरियन है, पाकिस्तान और बांग्लादेश। नाउ फर्स्ट देखते हैं इंडिया पाकिस्तान के साथ कैसे डील करता है। सो तीन वॉर्स और अनगिनत टेररिस्ट अटैक्स के बाद भी इंडिया ने कभी भी पाकिस्तान की वाटर सप्लाई को कट ऑफ नहीं किया है। इनफैक्ट इन दोनों कंट्रीज के बीच द इंडस वाटर ट्रीटी साइंड है, और इससे वेरी जस्ट एंड फेयरली तीन वेस्टर्न रिवर्स दैट इज इंडस, झेलुम और चीनाब पाकिस्तान को मिले, और तीन ईस्टर्न रिवर्स द रावी, बियास और सतलज इंडिया ने अपने पास रखे। इंटरेस्टिंगली इस डिविजन के वजह से ओनली 20% ऑफ इंडस वाटर इंडिया के पास आता है, लेकिन इसके बावजूद भी इंडिया ने इस ट्रीटी का फॉर मोर देन 60 इयर्स मान रखा है। बांग्लादेश की बात करें तो इंडिया बांग्लादेश के लिए 54 रिवर्स का अपर रिपेरियन है, जिसमें इंक्लूडेड है गंगा और ब्रह्मपुत्रा जैसे इंपॉर्टेंट रिवर्स। स्टिल इवन बांग्लादेश फील सिक्योर, और यही सेंटिमेंट साफ झलकता है बांग्लादेशी पीएम के स्टेटमेंट्स में, जिन्होंने इंडिया और बांग्लादेश की रिलेशनशिप को डिस्क्राइब किया है एज अ फ्लोइंग रिवर एंड फुल विथ जेनरोसिटी। सो इट्स क्लियर कि इंडिया वाटर को वेपनाइज करके अपने नेबर्स के साथ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर नहीं करना चाहता, अनलाइक ऑब्वियसली चाइना। अब चाइना के इस वाटर वॉर के रिटेलिएशन में हमने अब तक कुछ भी मेजर स्टेप्स नहीं लिए, एक्सेप्ट चाइना के मेगा डैम द काउंटी डैम को न्यूट्रलाइज करने के लिए इंडिया ने अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर्स पर अपना एक खुद का डैम बनाने का डिसीजन ले लिया है। बट स्टिल फ्रेंड्स, चाइना के ट्रू इंटेंशंस और उसकी स्ट्रेटजीज को देखकर क्या आपको लगता है ये इनफ होगा? As it's often said, the wars of 21st century will be based on water. आज के तारीख में भी आपको ऐसे ही होते हुए नजर नहीं आ रहा है। So इंडिया अपने एंड से क्या कर सकता है to safeguard its interests? कमेंट्स में बताना मुझे अपनी राय, और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। तो डाउनलोड करो MPL, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक, और यूज करो मेरा कूपन कोड FLY20, रमी में मिलेगा आपको अपने फर्स्ट डिपॉजिट पर 200% का बोनस कैश यानी 20,000 रुपीज तक। खेलो यही, क्योंकि MPL दिवाली लखपति पार्टी में इनाम है कहीं। सी यू नेक्स्ट वन फ्रेंड्स, तब तक के लिए एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग। जय हिंद।